हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज पार्ट 58 ऑफ फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइस, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे किसी भी फॉक्स प्रो के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं उसे प्रोग्राम को रन करने से पहले। सो गाइस, कंपाइलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, देन उसे रन करने से पहले हम उसे कंपाइल करते हैं, या कंपाइलर उसे रन करने से पहले उसे कंपाइल करता है, देन वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो प्रोग्राम के सिक्वेंस को, प्रोग्राम के स्टेप को उसके सही सिक्वेंस के साथ और उसके सही कोड और इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको कंपाइल करता है, क्योंकि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन या फंक्शन को यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन या फंक्शन इसके सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो जब हम किसी भी मेथड, फंक्शन या कमांड का यूज़ करते हैं और अगर हम उसे कुछ गलत इंस्ट्रक्शन या गलत सिंटैक्स के रूप में लिख रहे हैं तो वो उस डेटाबेस से मैच नहीं करेगा, देन कंपाइलर वहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो हम कंपाइलर का किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल इसलिए करते हैं कि इसके जरिए हम चेक कर सकें कि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। तो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करना होगा तो इसे भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसे कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो हम इसे मेन्यू के सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कमांड बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो विदाउट फाइल को खोले भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, या फिर आप उस प्रोग्राम फाइल को पहले ओपन कर लें। तो इसके लिए फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई कमांड, देन कमांड का नाम, जैसे कि सॉरी प्रोग्राम फाइल का नाम। तो प्रोग्राम फाइल जैसे हमने क्रिएट किया था, मैंने जो पिछले बार जो प्रोग्राम बनाया था एक मेन्यू वाला, तो मैंने इसमें बहुत सारे कुछ एरर कर दिए हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने क्लियर में यहाँ पर आर जोड़ दिया है, टेक्स्ट में टी जोड़ दिया है, यहाँ पर इनपुट में गलत कर दिया हूँ, केस में गलत कर दिए हैं। ऐसे हमने कुछ कमांड्स और उसके फंक्शंस मेथड्स में कुछ एरर्स कर दिए हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि कंपाइलर कैसे प्रोग्राम को रन करने से पहले उसे कंपाइल करता है। तो अगर हमें इसे कमांड की सहायता से करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कमांड, देन जिस भी प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करना चाहते हैं उस प्रोग्राम फाइल का नाम। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोग्राम 112, ये लिख के जैसे इंटर करूँगा, सॉरी कमांड नहीं कंपाइल, सॉरी कंपाइल देन प्रोग्राम फाइल का नाम, ये लिखकर जैसे इंटर करेंगे प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट प्रोग्राम 112, ये लिख के जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे वन फाइल नाइन एरर्स, मतलब एक फाइल है इसके अंदर टोटल नाइन एरर्स हैं। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर टोटल अभी 9 एरर हैं। अब हमको अगर देखना है कि कहाँ कहाँ एरर है तो इसे भी हम देख सकते हैं। अगर हमें मेन्यू की सहायता से देखना है तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम मेन्यू है, इस प्रोग्राम मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंपाइल नाम का सब मेन्यू मिलेगा, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन फाइल में जाना है, कंपाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाएगा, पहला बोल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब। सो गाइस, यहाँ पर फॉक्स प्रो कितने प्रकार के एरर्स मैसेज को डिस्प्ले करा सकता है इसको मैं आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, और उस एरर मैसेज का क्या मतलब होता है। जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब, मतलब यहाँ पर जो हमने क्लियर नाम का कमांड दिया है वो इसे फाइंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो हम इसे देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या प्रॉब्लम किया है। तो यहाँ पर मैंने R ऐड कर दिया है, तो इसी यहाँ पर R को रिमूव करेंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ इसको इग्नोर करते हैं, देन नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ भी बोल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब, मतलब जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट कमांड लिखा था तो यहाँ पर मैंने एक T जोड़ दिया है जो कि यहाँ पर गलत है, तो उसे ये एरर दिखा रहा है। इसके बाद फिर इग्नोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट कमांड और यहाँ इंड टेक्स्ट के बीच के सारे टेक्स्ट को विदाउट क्वेश्चन मार्क ये ले सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ पर टेक्स्ट ही गलत कर दिया है तो इसके नीचे जो कंटेंट है वो उसे समझ नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। यहाँ सिंटैक्स एरर, उसके बाद
in the text does not have corresponding text statement, मतलब यहाँ पर text statement का हम लोग use नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर in text लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर ये error दिखा रहा है. Then यहाँ पर next दिखा रहा है unrecognized command verb, मतलब यहाँ पर जो हमने input लिया है तो input को वो understand नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो error दिखा रहा है. Then next करेंगे तो यहाँ पर भी वही unrecognized command verb, जो हमने case लिखा है वहाँ पर double s हो गया है. तो सो गाइस इतने सारे यहाँ पर errors हैं, 9 errors आप देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है 9 errors. तो हम इसे solve कर लेते हैं, यहाँ से इसको remove कर दिए, text से t remove किए, then यहाँ input से t remove किए, t remove किए, case से s remove किए. इसके बाद हम इसको save करते हैं, save करने के बाद फिर से मैं इसे open कर रहा हूँ, अब फिर से program को compile करते हैं तो आप देखेंगे सिंटैक्स एरर. अच्छा एक यहाँ पर 2 में 6 लगा हुआ है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, अब एक ही एरर दिखा रहा है, वन कंपाइलेशन एरर. तो हम इसे चेंज करके 6 हटा देते हैं, 2 कर लेते हैं, देन इसे सेव करते हैं. इसके बाद वापस से इसको ओपन करके फिर से कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक भी एरर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, 0 कंपाइलेशन एरर, मतलब हमारा प्रोग्राम अब बिल्कुल सही हो चुका है. देन हम इसे प्रोग्राम को सेव करके जब इसको रन करेंगे, रन करने के लिए डू देन प्रोग्राम 112 लिख कर इंटर करेंगे तो हमको वो सही सही आउटपुट डिस्प्ले करेगा. सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बाय.